अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी? बेटा आज मैं आपको क्लास 5 का इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 का तीसरा लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। पहले दो लेक्चर में हमने पोएम रेन इन समर की रीडिंग को कंप्लीट किया था। आज थर्ड लेक्चर में हम इस पोएम के रेन इन समर के वर्ड्स मीनिंग, कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपको करवाएंगे। तो ये तमाम वर्ड्स मीनिंग जो है बेटा आपने अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक पर उतारने हैं, ठीक है? आते काम की तरफ। वर्ड्स मीनिंग्स, फर्स्ट वर्ड है ब्रॉड। क्या है ब्रॉड? बी आर ओ ए डी, ब्रॉड। ब्रॉड मीन वसी, ब्रॉड मीन वसी। नेक्स्ट वर्ड है फाइली, एफ आई ई आर वाई, फाइली। फाइली मीन शदीद गर्म या आग बरसाती हुई। फाइली मीन शदीद गर्म या आग बरसाती। नेक्स्ट वर्ड है नैरो, वर्ड है नैरो, एन ए डबल आर ओ डब्ल्यू, नैरो। नैरो मीन तंग, नैरो मीन तंग। नेक्स्ट वर्ड है क्लैटर्स। क्या वर्ड है? क्लैटर्स, सी एल ए डबल टी ई आर एस, क्लैटर्स। क्लैटर्स मीन खड़खड़ाहट, क्लैटर्स मीन खड़खड़ाहट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप। क्या वर्ड है? ट्रैप, टी आर ए एम पी, ट्रैप। ट्रैप मीन भारी कदमों से चलना, ट्रैम्प में भारी कदमों से चलना। नेक्स्ट वर्ड है हूव्स। क्या है हूव्स? एच डबल ओ एफ एस, हूव्स। हूव्स में खुर, हूव्स में खुर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा गशिश। क्या वर्ड है? गशिश, जी यू एस एच ई एस, गशिश। गशिश, गशिश का मतलब है उछल कर बह निकलना, उछल कर बह निकलना। नेक्स्ट वर्ड है स्पाउट। क्या है स्पाउट? एस पी ओ यू टी, स्पाउट। स्पाउट का मतलब है परनाला, वो जो घर की छतों पे लगा हुआ होता है ना, जिससे बारिश का पानी निकलता है, उसको बोलते हैं स्पाउट। स्पाउट मीन परनाला। नेक्स्ट वर्ड है पोर्स, पी ओ यू आर एस, पोर्स। पोर्स का मतलब है उंडेलना, यानी एक चीज से दूसरी बर्तन में कोई चीज उंडेलना, पोर्स। पोर्स मीन उंडेलना। नेक्स्ट वर्ड है टाइड, टी आई डी ई, टाइड। टाइड मीन लहर, वो जो समंदर में पानी की लहरें बनती है उसको बोलते हैं टाइड। टाइड मीन लहर। नेक्स्ट वर्ड है रोज, आर ओ ए आर एस, रोज। रोज मीन गूंजना, रोज मीन गूंजना। नेक्स्ट वर्ड है डस्ट। क्या है डस्ट? डी यू एस टी, डस्ट। डस्ट मीन गर्दो गुबार, डस्ट मीन गर्दो गुबार। तो जी बेटा ये यूनिट नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग है जो आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। फिर बता रही हूँ कि ये तमाम वर्ड्स आप अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक से उतारेंगे, इन्हें याद करके रफ नोटबुक पे राइट करके अपने पेरेंट्स को या ट्यूटर को चेक करवाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के जो है वर्ड सेंटेंसेस करवाने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।